तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट एंड देन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट। देखो बेटे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेसिक जो था, जिसके ऊपर उसने को बनाया था, दैट वॉज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास नंबर्स, इंक्रीजिंग मास नंबर्स। बट सबसे बड़ी बात थी, ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि ये जो प्रॉपर्टी है या आफ्टर रेगुलर इंटरवल सेम क्यों हो जाती है, इस पीरियोडिसिटी का कॉज वो नहीं बता पाया था बेटा। बट लेटर ऑन जैसे साइंस ने तरक्की की तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया और भी चीजें डिस्कवर होती गई। तो एक साइंटिस्ट आया बेटा मॉसले, तो मॉसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मॉसले एक्सपेरिमेंट। देखो बेटे, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी हार्ड मेटल पे अगर कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं तो एक्स रेज बनती है। ये बताया था मैंने आपको कि अगर मैंने एक मेटल लिया और उस मेटल के ऊपर, हार्ड मेटल के ऊपर कैथोड रेज फेंकी, तो जब कैथोड रेज फेंकते हैं तो कैथोड रेज व्हेन मेड टू स्ट्राइक अगेंस्ट द हार्ड मेटल दे प्रोड्यूस एक्स रेज बनती हैं। ये रॉयिंगटन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरेज दी थी। एक्सरेज का नाम ही बड़ा मतलब मजेदार था, ये इसका कोई नेचर पता नहीं था, इसलिए बोल दिया गया एक्सरेज। तो मॉसले ने क्या किया, ये डिफरेंट मेटल्स ले लिए, ये जो मेटल थे डिफरेंट ले लिए और इसके ऊपर वैसे ही कैथोड रेज फेंकी, और जब कैथोड रेज फेंकी तो एक्सरेज बनी। उन एक्सरेज की इसने फ्रीक्वेंसी निकाली, जब इसने एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकाली तो बेटा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया। और मान लो इधर अंडर रूट ऑफ म्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और उससे पहले हमें ये पता था कि भाई हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक मास थी, हम तो सभी का एटॉमिक मास लेके चल रहे थे। तो उसने एटॉमिक मास के साथ इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की। अब ये अंडर रूट ऑफ म्यू क्यों है, ये आगे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक प्लॉट बनाया विद एटॉमिक मास एट दिस। तो जैसे ग्राफ बनाया जाता है वैसे इसने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यूज निकाली होंगी, अलग अलग मेटल लिए होंगे, अलग अलग मेटल पे कैथोड रेज फेंकी होंगी, उससे अलग अलग एक्सरेज भी ली होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी देखी होगी। तो उसने जब उसका ग्राफ बनाने के लिए डॉट्स बनाए तो ग्राफ के डॉट्स कुछ ऐसे 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 बन रहे थे, एटॉमिक नंबर के हिसाब, एटॉमिक मास के हिसाब से ऐसे ऐसे कुछ डॉट्स बन गए। अब जब इसको मिलाए सो दे आर नॉट गिविंग अस अ स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन के लगभग पास ही थे डॉट्स, ठीक, दे वर नॉट गिविंग अ स्ट्रेट लाइन, जस्ट गिविंग अ ज़िगज़ैग लाइन लाइक दिस। अगर यू बनाओ फिर यू बनाओ फिर यू बनाओ फिर यू बनाओ, कुछ ज़िगज़ैग टाइप लाइन जिसको हमने ऑलमोस्ट एक सिमिलर स्ट्रेट लाइन की तरह मान लिया था। तो इसने देखा कि हाँ ठीक है, जो एटॉमिक, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है, जैसे एटॉमिक मास बढ़ा रहे हैं वैसे फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रही है, बट ग्राफ इज नॉट वेरी स्ट्रेट इन लाइन, यानी इसकी पूरी डिपेंडेंस इसके ऊपर नहीं है। तो इसने इसी ग्राफ को एक और तरीके से बनाने की कोशिश की, इसने अंडर रूट ऑफ वी लिया, ठीक, और बेटे एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ बनाने की कोशिश की, एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ बनाने की कोशिश की। और बेटे जब इसने एटॉमिक नंबर के साथ ये ग्राफ बनाया, व्हाट ही फाउंड, दैट इट फॉलोड अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा था, यानी इसमें जो डॉट्स आ रहे थे जब आप उसको मिला रहे थे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। और इससे अपना एक एक्सप्रेशन उसने दिया, अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है जी, ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर व्हाट इज न्यू, बेटा न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ
frequency of X-rays. And what is A? A is a constant. And what is Z? Atomic number. Atomic number. And what is B? It is again a constant, but इसको बोलते हैं screening constant. ये आने वाले lecture में आप पढ़ोगे screening constant. आने वाले lectures में आपको समझाया जाएगा screening constant कैसे निकाला जाता है. ठीक है जी. तो ये graph जब उसने बनाया, इसको अगर मैं solve करता हूँ, तो under root of mu is equal to az minus ab. A के साथ multiply कर दिया. जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो स्टेट लाइन की इक्वेशन जानते होंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है. तो यानी एक तो ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होना चाहिए था. ठीक, दिस ग्राफ मस्ट नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. ठीक, क्योंकि इसकी इंटरसेप्ट है. इसमें y एक्सिस पे आपने ये भी इंटरसेप्ट है, तो ये भी ग्राफ जो है स्टेट लाइन यहां ऐसे कुछ होना चाहिए. It should not start from origin. तो बेटे y एक्सिस पे आपने ले लिया अंडर रूट ऑफ म्यू, ये देख लीजिए. ठीक, x एक्सिस पे आपने ले लिया z, ये देख लीजिए. z इज एटॉमिक नंबर. तो स्लोप हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव स्लोप ऐसे आएगी स्ट्रेट लाइन की. एंड दिस स्लोप is equal to a. इस स्लोप से हम a निकाल सकते हैं. और बेटे इसके ऊपर अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, तो मैथमेटिक्स वाले टीचर सिखाते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है. तो हम ये बोल सकते थे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप. इस एंगल को निकाल ले तो बेटा जी हमारे पास स्लोप मिल जाएगी और स्लोप से a की वैल्यू मिल जाएगी. वैसे ये निकाल सकते हैं. और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होती है? अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये वाई एक्सिस पे कहां मिलेगा वो इंटरसेप्ट होती है. ये इंटरसेप्ट हो गई, ये माइनस में जा रही है, जीरो से नीचे माइनस में जा रही है और ये ए बी के बराबर होगी. बट हमें इस ग्राफ से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था. ठीक, इस कैलकुलेशन से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है. पर इससे एक बात समझ में आई कि अगर हम एटॉमिक मास का ग्राफ ले रहे हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन. जब एटॉमिक नंबर का ग्राफ ले रहे हैं, इट इज एग्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन. यानी एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती थी. दैट इज अ स्ट्रेट लाइन फंक्शन. तो इसलिए मोस्ले ने जो आपका मेंडली पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज कर दिया और एक नया लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उसने बोला कि एटॉमिक मास के मुकाबले एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी. एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ एटॉमिक मास टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ठीक, इसलिए उसने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन of their atomic numbers, of their atomic numbers, not atomic mass. जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने तो बोला था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं. तो मेंडलीव ने कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पर. ठीक, लेकिन मोस्ले ने प्रूव कर दिया एटॉमिक मास से बेटर प्रॉपर्टी हमारे पास एटॉमिक नंबर होती है, जिसके साथ हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी यहां मिल रहा है. तो उसने बोला नहीं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की जा सकती है देन दैट ऑफ एटॉमिक मास. तो अब एटॉमिक नंबर केम इनटू सीन, जो कि पहले हमारे पास क्या था,
मास नंबर आया करता था, अब बेटा एटॉमिक नंबर को लेकर के बातें होने लगी। बोलो बेटा मॉसले एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया ना, मेरे को उसके बाद समझ में नहीं आया। हाँ जी सर जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया ना, उसके वो वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया। कौन से वाला कंपेयर बेटे? सर जो सेकंड ग्राफ बनाया ना आपने, उसके बाद जो अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए इज इनटू जेड माइनस बी, ये ग्राफ के लिए उसने अपना एक रिलेशनशिप दिया है। दिस इज द रिलेशनशिप। ठीक, ये रिलेशनशिप मैथमेटिकली डिराइव होते हैं बेटा। तो अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इनटू जेड माइनस बी, वेयर ए इज कांस्टेंट एंड जेड इज एटॉमिक नंबर और बी जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। ठीक, y एक्सिस पे आपने अंडर रूट ऑफ न्यू लिया है और x एक्सिस पे z लिया है, तो m जो है वो a के बराबर है। तो m हमेशा स्लोप होती है, दिस इज कॉल्ड अ स्लोप, और स्लोप a के बराबर यहां से समझ में आ रही है। और जिसका इंटरसेप्ट है वो माइनस ए बी, यानी इसको एक्स्ट्रापोलेट करें यहां पे मिलेगा तो माइनस में आएगी वैल्यू की नहीं, तो ए बी माइनस में आएगा, ये इंटरसेप्ट कहलाती है। तो इंटरसेप्ट माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज ऑल वी हैव टू नो। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं? सर जो y is equal to mx plus c है, तो ये plus c हमेशा। I'm not getting your voice. Please speak loudly. सर जो y is equal to mx plus c है, इसमें जो plus c है हमेशा ये plus ही रहना चाहिए साइन जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया। ये इक्वेशन तो प्लस ही रहेगी, जो जो भी चीज आएगी यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो मतलब नेगेटिव स्लोप है। अगर इसके आगे नेगेटिव आ रहे तो नेगेटिव स्लोप है, और अगर इसके आगे नेगेटिव आ रहे तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, नीचे आएगा। ये फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज नहीं होती, उसके अंदर इसके हिसाब से देखा जाता है कि अगर यहाँ तो प्लस होना चाहिए था, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो इंटरसेप्ट नीचे जाके मिलेगी, अगर यहाँ प्लस होता तो इंटरसेप्ट ऊपर मिलती, अगर प्लस होता तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता, माइनस है तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा। गॉट इट और नॉट? इसमें कभी प्लस माइनस नहीं आता, इसमें सिर्फ प्लस ही रहता है। क्लियर? यस सर। तो मतलब जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम माइनस साइन आ सकता है फिर भी। हाँ जी। और सर जो इंटरसेप्ट होता है उसका मीनिंग एक बार दोबारा बता दो। क्या जी? इंटरसेप्ट का मीनिंग सर एक बार दोबारा बता दो। इंटरसेप्ट वो होता है जहां पे द पोर्शन ऑफ ग्राफ व्हिच इज नॉट यूज्ड बेसिकली। यहां हम बोले जब हम किसी ग्राफ को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं तो वाई एक्सिस पे कहां जाके मिलता है वो उसका इंटरसेप्ट कहलाता है। ओके सर। इंटरसेप्ट यानी जुड़ना। यस सर। ओके सर। यस जसमीत, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटे? सर उसने ये प्रूफ कर दिया था कि वो पीरियोडिक क्यों है। जसमीत ने बोला सर डिड ही एक्सप्लेन व्हाई दे आर पीरियोडिक? यस ही विल एक्सप्लेन दैट। आगे जाके अपन एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बहुत आराम से बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी सेम क्यों आती है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन हो सकता है इस पे। ठीक, तो वो डेफिनेटली आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो मेरे को सिर्फ ये बताओ, ये चीज समझ में आई मॉसले एक्सपेरिमेंट क्या था, और उसने जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज कैसे कर दिया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे बना, ये बात क्लियर हो गई तो सारे बच्चे यस लिखो और आगे चलते अपन। सर हमें अभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मीनिंग पता होना जरूरी है। आ जाएगा आगे, तो बस इतना समझा, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, अभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो पता ही कुछ नहीं है। ठीक, अभी आगे बता दूंगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा बेटा, पूरे चंडीगढ़ में कोई नहीं सिखाएगा सिवाय मेरे, कोई नहीं बताएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते। ठीक, तो एनी हाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, पहले आने तो दो ना चीजें। तो हमारे पास क्या है कि हमने मॉसले एक्सपेरिमेंट से सिर्फ इतना बताना था कि अब हम एटॉमिक मास नहीं देंगे, अब हम एटॉमिक नंबर को मेजर प्रॉपर्टी लेंगे। इस चीज को सोचते, इस लॉ को सोचते हुए नील बोहर और मॉसले ने मिलकर के फिर पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। मॉसले के इस लॉ के ऊपर नील बोहर ने एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया। ठीक, अब हमारे पास जो आएगा, जो कि मॉसले के इस एक्सपेरिमेंट, इस पर्टिकुलर चीज पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर इज द मेजर प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ एटॉमिक मास। Bohr gave us modern periodic table. It was given by Niels Bohr.
नील बोहर, उसने क्या किया कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे मेंडलीव ने तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा था, इसने एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने अब हमारा जो पीरियोडिक टेबल था वो बना। और वैसे ही ग्रुप्स लिए और वैसे ही पीरियड लिए, बट अब की बार इसने 7 पीरियड्स ले लिए और 18 ग्रुप्स लिए। ठीक, जो नील बोहर का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स थे। ठीक है जी, इनको उसने लगाया एलिमेंट्स को और एक नया पीरियोडिक टेबल दिया। इसी को आज एक नया नाम दे दिया जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, बाय आज हम इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बेटे मेरे प्यारे बच्चों, जरा कभी किसी से पूछना कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया था। जवाब मिल जाएगा तो मेरे को जरूर बताना तुम। ठीक, क्या है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक, कि आप जस्ट ये समझ सको कि जहां आप पढ़ रहे हो आपका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन कई लड्डू ये बात समझते नहीं है। ठीक है, फिर भी वो कहीं ना कहीं घुसे रहेंगे, तो उनके लिए बोलता हूं मैं कि आप एक बार चेक करना, एक बार जरूर कंपेयर करना होता है। तो पूछना कभी किससे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया, या मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है। छुनछुना नहीं बताएगा कोई, हर आदमी यही बोलेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। दुनिया भर के गधे हैं जो ऐसा बोलते हैं। समझ में आई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय रैंक एंड बर्नर। अब क्या फर्क था इनमें और इसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और नील बोहर के पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क था, उसके लिए पहले पीरियोडिक टेबल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखो बेटा मैं आपको कुछ चंद निमोनिक्स बताता हूं। ठीक, लेकिन आप मेरे वाले निमोनिक्स नहीं यूज करें, आप अपने बना लें, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहता है। जब आप अपने निमोनिक्स बनाते हैं वो याद रखने आसान रहते हैं। आप अगर नहीं बनते हैं तो फिर मेरे वाले यूज कर लेना। देखो भाई, पहला ग्रुप हम पढ़ेंगे है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ये पहला ग्रुप है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। इसको बाद में हमने अल्कली मेटल बोल दिया, अल्कली मेटल। अब भैया क्यों बोल दिया अल्कली मेटल्स, बेटे जब इनको वाटर में पुट करें so they form strong alkaline solutions. Whenever they are put in water, they form strong alkaline solution. Mind it, hydrogen is not yet placed very good. Hydrogen आज भी defect है. तो hydrogen कभी भी alkali metal नहीं होता, वो non metal है। बाकी सारे alkali metal है, पर ये इस group में रखा जाता है। तो ये first group है जिसको हम alkali metals बोलते हैं। So, ये पहला ग्रुप आ गया हमारे पास अल्कली मेटल्स, और हमने इसको ध्यान में रखा कैसे, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है जी, इसके बाद जो दूसरा हमारे पास आया, जो दूसरा ग्रुप हमारे पास आया वो आया बे गम का सर बड़ा। आप कुछ भी याद कर सकते हैं यार, बेगम का सर बड़ा मैंने बोला, आप कुछ भी बनाए अपने आप। इसको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, तो 2000%
2000% लोग आपको ये बोलेंगे कि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, कि जब इनको वाटर में डालो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेना मेरी तरफ से, बोलना आयरन का पेड़ पे लगता है, है? या उसकी बारिश होती है, क्या वो अर्थ क्रस्ट में नहीं होता? और आयरन का जो, अगर आयरन को वाटर में डाले क्या वो एल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं बनाता? ऐसे बड़े सारे मेटल, मेटल सारे ही अगर वाटर में डाले एल्कलाइन सॉल्यूशन ही बनाते हैं, और मैक्सिमम ऑफ देम आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, तो क्या सभी को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दे? और अगर इसको बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? तो उनके पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि रट्टा मारत जगमुआ वही वाला हिसाब है। बेटा मैं तुम्हें बताता हूं, डेफिनेटली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते होंगे, बट अर्थ शब्द यहां दिया गया था हैवी के लिए। इसके लिए हैवी के लिए, ये थोड़े हैवियर मेटल्स हैं। अर्थ का मतलब हैवी होता है बेटा, समझ में आई बात? तो ये थोड़े हैवियर मेटल हैं देन दिस, एंड दे आल्सो फॉर्म व्हाट यू कैन से एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते थे, पहले वाले से थोड़े हैवी थे तो हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल नाम दे दिया। पर जब और एलिमेंट आते चले गए जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बनाते थे, हैवी भी होते थे, तो हमने बोला चलो ये तो इसके लिए रख देते हैं, आगे के लिए हम और नाम सोचने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद बेटे जी हमने यहां पे कुछ छोड़ दिया, ठीक, कुछ पार्ट छोड़ के यहां तक चल रहा हूं। ठीक है जी, अब बेटे यहां पर अगला ग्रुप बना रहा हूं मैं। अगला ग्रुप है बोल, अटल, गाएगा, इन थाईलैंड। बोल, अटल, गाएगा, इन थाईलैंड, या बोल सकते हैं ब्रिटेन की आलू गोभी, इन इंडियन थैला, कैसे भी याद करना है वो तुम्हारी मर्जी। इसको बोरोन फैमिली बोला जाता है, This is called as Boron family. ठीक है जी, उसके बाद क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये कार्बन फैमिली। जैसे ये बोरोन फैमिली थी वैसे ही हमारे पास यहां कार्बन फैमिली आ गई, ये कार्बन फैमिली है। ठीक है जी, उसके बाद अगला आ जाता है न्यूज पेपर, आज सब बिकेगा, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। आप चाहो अपना अपनाओ, मेरे वाले निमोनिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक, जैसे मैंने किसी के यूज किए हैं आप भी किसी के यूज मत करें, अपना बना लो। ठीक है जी, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई। जो नाइट्रोजन फैमिली होती है, दिस इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम एक और नाम देते हैं निकोजन्स, निकोजन्स, इसमें पी साइलेंट है। निकोजन क्यों बोलते हैं? निको नियोंग शब्द से लिया गया, ये सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले। निकोजन्स का मतलब है विच कैन फॉर्म सफोकेटिंग कंपाउंड्स। जैसे नाइट्रोजन फैमिली के अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, ये सभी दम घोटने वाले होते हैं, तो ये सफोकेटिंग कंपाउंड फॉर्मर्स है, इसलिए इसका नाम निकोजन्स भी रखा जाता है, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद अगला है उस से टेपो, ठीक है, बोलो सर, रोज ही हम ये करते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, उससे टेपो, रोज ही तो टेपते हैं अपन लोग, तो ये ऑक्सीजन फैमिली है उससे टेपो, क्लियर। और ऑक्सीजन फैमिली को भी हम एक और नाम देते हैं, इनको बोलते हैं कैल्कोजन्स, कैल्कोजन्स, कैल्कोजन्स का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। कैल्कोजन्स का क्या मतलब होता है? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो ओर बनाते हैं, क्योंकि जितने भी ओर अर्थक्रस्ट में पाए जाते हैं, ओर जिससे मेटल निकालते हैं, जितने भी ओर अर्थक्रस्ट में पाए जाते हैं, इधर दे आर ऑक्साइड्स और जनरली दे आर सल्फाइड्स। तो या वो ऑक्साइड होते हैं या फिर सल्फाइड होते हैं, इसलिए इसको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स बोला गया, कैल्कोजन्स।
उसके बाद आया फिर कल बाहर आई आत्मा। भैया आत्मा कल बाहर आएगी, धिकारेगी कि तुम पढ़ते नहीं हो, फिर अंदर जाके सो जाएगी, तुमने फिर नहीं पढ़ना है ना भाई, तो फिर दोबारा आएगी। इसलिए फिर कल बाहर आई आत्मा, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन एस्टाटीन, इनको नाम दे दिया गया हेलोजन्स, इनको नाम दे दिया गया हेलोजन्स। हेलोजन्स का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, जो समुद्र में सॉल्ट बनाते हैं, इनको सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स बोला गया। हेलो मतलब सी, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, सी के अंदर जितने भी सॉल्ट्स मिलते हैं वो जनरली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, फ्लोराइड्स एटसेट्रा होते हैं, तो ये सी सॉल्ट प्रोड्यूसर है, इसलिए इनको हेलोजन बोला गया। उसके बाद अगला जो ग्रुप हमारे पास आया, एक अगला जो ग्रुप हमारे पास आया वो है हिमायु ने अकबर को जोर से रुलाया, हिमायु ने अकबर को जोर से रुलाया, या हेमंत ने अरेंज करके जीरो रन बनाया, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी याद कर लो। इनको पहले हम इनर्ट गैसेस बोलते थे, पर आज हम इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस का तो मतलब ये होता है जो रिएक्ट ही नहीं करती, बट एक्चुअली ये रिएक्ट करती है, ये पाया गया है, इसलिए इनको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है, नॉट व्हाट यू कैन से इनर्ट गैसेस। ठीक, अब इसके बीच में कैल्शियम से आगे शुरू करेंगे। ठीक, कैल्शियम से आगे 10 ग्रुप और है, इसको कई टीचर कुछ ऐसे बना देते, साइंस टीचर ने बीसीआर पे ऐसे करके बना देते। ठीक, मैंने ऐसे याद नहीं किया है, मैंने तो ऐसे याद किया है। ठीक, देखो बेटे, बेसिकली मैं ऐसे याद करता हूं, स्कूटर यहां ला अकड़ू, आपकी मर्जी, लोग सीरीज में याद करते हैं, मैंने ग्रुप में याद किया है, लोग सीरीज में ऐसे कर देते हैं, साइंस टीचर ने बीसीआर में फिल्म, ऐसे करके कुछ बनाते भाई, वो बनाते रहना आप, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये 10 ग्रुप है, ठीक, अपना बनाए गए, मैं सिर्फ लिख के दे रहा हूं आपको, जैसे स्कूटर यहां ला करूं, तीनों जरा हाफते रहे, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक, इसको रुद्रफोर्डियम बोलते हैं, वो नवाब टकला होगा। ठीक, आप अपने आप बनाते जाइएगा, आज इस एच जी को होगा क्या, क्योंकि एस यहां पे हसबोर्गियम होता था एच एस, ठीक, अभी उसको डी बी में तब्दील कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक, क्यों वो बाद में बताएंगे आपको कि ऐसे चेंज क्यों होते रहते हैं। करो मरो वरना सो जाओ, करो मरो वरना सो जाओ, दैट इज क्रोमियम मॉलिब्डेनियम टंगस्टन एंड सिबोर्गियम। इसी तरह से अब आप बनाते रहना, ठीक है, अब आप बनाओगे। अपने आप अभी तो क्या है कि कुछ एलिमेंट्स नए डिस्कवर हो गए हैं जो पहले डिस्कवर नहीं थे, आज कई सारे नए एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ये बेटे 10 ग्रुप्स मैंने अलग से बना लिए,
आपने अपने निमोनिक बनाए हैं, मैंने बनाने हैं, मैंने कुछ एक तुम्हें बताए कैसे बनाने हैं, अपने आप बना सकते हो, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म, ठीक है जी, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होता है, ठीक। तो देखो बेटा, पहली बात, दिस इज योर फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, ये सेकंड पीरियड है, ठीक, ये थर्ड पीरियड है, इसी तरह ये फोर्थ पीरियड हमारे पास हो गया, ठीक है जी, ये फिफ्थ पीरियड हमारे पास हो गया, ये सिक्स्थ पीरियड हमारे पास हो गया, ये सेवेंथ पीरियड आज की डेट में कंप्लीट है, मैंने इनकंप्लीट बनाया हुआ है, कंप्लीट है। तो ऐसे करके ध्यान दोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि जो बोहर का टेबल था, बोहर के टेबल में कुल मिला के 7 पीरियड थे, ठीक, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप थे, 18 ग्रुप में इसको 1, इसको 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13, 14, 15, 16, 17 and 18, ठीक है जी। ये हमारे पास आज के पीरियोडिक टेबल की 18 पीरियड और 7 ग्रुप्स हैं। इस फर्स्ट को हम लोग 1A भी बोल देते हैं, इसको 1B भी बोल देते हैं। बहुत मजे की बात बताता हूं, अपनी एनसीईआरटी कभी खोलना, कहते हैं कि एन एरर इज टू ह्यूमन, गलती हर आदमी से होती है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी यहां गलती है, यहां उन्होंने इसको 3A दे दिया है, जैसे यहां 2A होना था तो यहां इसको 3A दे दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 3B है, ये A नहीं है, इसको 4A दे दिया, ये B है, ये 5A दे दिया, ये भी B है, ये 6A दे दिया, ठीक, 6A, जबकि ये भी B है, ये 7A दे दिया गया, ये भी B है, और ये तीनों मिला के 8A दे दिया गया, जबकि ये भी B है, और ये वाला ये फर्स्ट ए है, जब इसको फर्स्ट बी लिखा होगा, ये सेकंड और फर्स्ट नहीं सॉरी फर्स्ट बी, ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, ठीक, क्लियर। और ये वाले इसको इन्होंने बी भी लिखा होगा, जबकि ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, ये सेवेंथ ए है और ये एट्थ ए है, ठीक है जी, जबकि एनसीईआरटी ने यहां यहां ए लिखा है, जबकि वो बी है। मैं बताता हूं उसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, ये बी ग्रुप मेंडलीव वाले थे, है ना, मेंडलीव ने एक बात बताओ, निकल रादर मेंडलीव ने लिथियम सोडियम पोटेशियम का क्या रखा था, कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड ये उसका बी ग्रुप था और ये इसका ए ग्रुप था, तो ये ए और ये बी, ये हैवियर एलिमेंट है सारे के सारे दोस्त, समझ में आई, ये बी होंगे, जबकि एनसीईआरटी में इधर ए लिखा हुआ है और इधर बी लिखा हुआ, विच इज रॉन्ग, ये सारे बी है बीच वाले और ये वाले सारे यहां से ऑनवर्ड 13 ग्रुप से ऊपर ये ए है, 1, 2, 3, 3 बी से शुरू होता है,
क्योंकि वन बी जो है वो कॉपर है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इस तरह टू बी जिंक कैडमियम मर्करी वो 13 से ऑनवर्ड ए ग्रुप्स हैं, ये एनसीईआरटी की गलती है। ठीक, तो ये पीरियोडिक टेबल हमने बनाया। अब देखो बेटा ध्यान से, ये बोहर के पीरियोडिक टेबल में तो खैर इसमें से बहुत सारे एलिमेंट नहीं थे, बोहर के समय तो बहुत कम एलिमेंट नोन थे, बट येट काफी थे। हम इसमें 118 एलिमेंट तक रख सकते हैं। इसके अलावा यहां पे दो अलग से सीरीज बना दी गई, दो अलग से सीरीज बना दी गई यहां पे, टू डिफरेंट सीरीज वर आल्सो फॉर्मड इन दिस। क्या हुआ, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है 57, उसके बाद कुछ एलिमेंट सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक हमने यहां रखा, और फिर 72 के बाद यहां शुरू किया। ये सीरियम से ल्यूटेशियम, ठीक, सीरियम से ल्यूटेशियम, ये सारे कहलाते हैं लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स क्यों, ये लेंथेनम के बाद बाहर निकाल के रखे गए, सो दे आर कॉल्ड एज टू बी लेंथेनाइड्स। So they are called as lanthanides. ऐसे ही यहां से एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, उसके बाद थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक, ये भी बाहर निकाला और यहां 104 से शुरू होगा। इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं, ये 14-14 एलिमेंट्स के ग्रुप हैं, 14 एलिमेंट्स मैंने लिखे नहीं है पूरे क्योंकि टाइम के साथ याद कराऊंगा, अभी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। ठीक, तो ये सीरियम से ल्यूटेशियम तक लैंथेनाइड, थोरियम से लॉरेंसियम तक एक्टिनाइड्स, ये बाहर निकाल के रखे हैं। तो ये आपका बोहर का टेबल था, दिस वॉज द टेबल ऑफ बोहर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग फॉर्म एंड दिस, देखो बेटे बोहर के टेबल को ब्लॉक्स में चेंज कर दिया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रैंग एंड बर्नर ने। रैंग एंड बर्नर ने क्या कहा कि जो पहले दो ग्रुप्स है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आते हैं, इसलिए इसको एस ब्लॉक बोल दिया। क्या बोल दिया, एस ब्लॉक, क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। और 13 से लेकर के 18th तक इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और यहां पे इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं, जो स्कैंडियम से जिंक वाले, ये हमारे पास 10 ग्रुप्स हैं, ये डी ब्लॉक होता है। और ये जो नीचे अलग से बनाया गया है ये एफ ब्लॉक है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसके हिसाब से ब्लॉक बना दी गई। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक। अब अगर कोई बोले कि लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल और बोहर टेबल एक ही है, तो उस मूर्ख को यह जरूर पूछ लेना कि बोहर को एसपीडीएफ पता था क्या। अगर ये दोनों सेम है तो बोहर को क्या एसपीडीएफ पता था, और अगर बोहर को एसपीडीएफ पता था तो उसका मॉडल गलत हो सकता था क्या। SPDF क्या होती है, सबशेल्स, और वो किसने दी, क्वांटम मैकेनिक्स ने, जिसने बोहर का मॉडल क्या किया, गलत। ये फर्क है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय नील बोहर एंड दैट वॉज ग्रुप्ड इन व्हाट यू कैन से ब्लॉक्स बाय सीइंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू इट
So that is given by Rang and Werner. The long form of periodic table was given by Rang and Werner, not Bohr. No doubt the formula of Bohr was used in that. Use Bohr का ही formula किया गया. S में दो group थे. S में दो group थे और general configuration NS one और two होगी. ये general configuration है जहां पे N highest principal quantum number होता है. ठीक. ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में आएगी. एन एस वन इलेक्ट्रॉन या टू, या तो एस में वन होगा या एस में टू होगा, या एस में एक इलेक्ट्रॉन होंगे या दो होंगे. इसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एस में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज एन एस वन और टू. उस तरह से जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एन एस टू एन पी सिक्स वन टू सिक्स. इसमें इलेक्ट्रॉन पी में जा रहे हैं तो पी में बोरिंग फैमिली में एक, कार्बन में दो, नाइट्रोजन में तीन, ऑक्सीजन में, इस तरह से करके. तो बेटा पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी वन टू सिक्स होती है. बेटा याद रखना डी इज ऑलवेज द सेकंड लास्ट शेल. डी हमेशा सेकंड लास्ट शेल होती है, इसलिए डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखना. पेपर में पूछते हैं एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस टू. ये डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. एन माइनस वन डी वन टू टेन, क्योंकि डी में दस इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और एन एस टू. अब यहां पे एन हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, सबसे बड़ा क्वांटम. ठीक है जी. डी जो सबशेल होती है वो हमेशा सेकंड लास्ट होती, तो अगर ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट. ये डी की कॉन्फ़िगरेशन होती है. इसी तरह एफ ब्लॉक, एफ सबशेल थर्ड लास्ट होती है हमेशा. कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए एफ हमेशा थर्ड लास्ट होती है. ठीक. तो थर्ड लास्ट यानी एंटी पेनल्टी में, तो एफ की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एन माइनस टू F 1 to 14, N minus 1, D 0 or 1, NS 2. वैसे तो D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो लैंथेनम में डाला उसके बाद F में आ गया. लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन होती है जिसे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है. ठीक. हाफ फिल्ड फुली फिल्ड मोर स्टेबल वो लेकर के, तो D 0 भी हो सकता है. तो ये F ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन हो गई. कॉन्फ़िगरेशन 10,000 बार लिख के याद कर लेना, कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछी जाती है. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में चेंज कर दिया रैंग एंड वर्नर. इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर इनको नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है. नॉर्मल एलिमेंट्स, एस ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक वाले, ये मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं, और या फिर इसको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है जी. इधर दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट और दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, डी ब्लॉक वाले, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है. डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक बिहेवियर. क्योंकि एस ब्लॉक में सारे मेटल होते हैं, डी ब्लॉक में काफी सारे नॉन मेटल भी होते हैं. इस साइड मेटालिक करेक्टर कम होता चला जाता है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है. तो प्रॉपर्टी इज चेंजिंग, ट्रांजिटिंग फ्रॉम नॉर्मल यानी कि फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक वाले. और जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. इनर ट्रांजिशन
एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड एज टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों? ये ट्रांजिशन एलिमेंट से ही निकाल के बाहर रखे गए हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया गया होता है. बोलो बेटा, जो करवाया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलना यस और नो. सर मुझे एक चीज में डाउट था कि जो डी ब्लॉक की हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें एन माइनस वन डी वन टू टेन है, फिर हमने एन एस टू कैसे लिख दिया? जब तक डी वाला नहीं भरेगा तब हम एन एस टू का कैसे श्योर कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी होता है. क्यों? एनर्जी किसकी ज्यादा है उसके हिसाब से भरते हैं. यस सर. ऐसे करोगी, देखो 3D और 4S में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? बोलो, 3D 4S में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सर 4S की. n प्लस l ही देखते हैं ना. yes, इसका एक्सएल आएगा 3 + 2 दैट इज 5 और इसका आएगा 4 + 0 दैट इज 4. तो 4s की एनर्जी कम होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे उसके बाद 3D में जाएंगे. गॉट इट और नॉट? यस सर. इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे उसके बाद यहां भरते हैं, क्योंकि यहां देखो 4s, हालांकि इसके आगे 4 है, इसके आगे 3 है, पर इसका n प्लस एल क्या है? छोटा. और हमें पता है इलेक्ट्रॉन भरते हुए पहले हम जिसका n प्लस एल कम है वहां पहले भरेंगे, तो यहां पहले भरते हैं फिर यहां पे जाते हैं 4s में पहले फिर d 3d में. उसी तरह से पहले s में जाएंगे फिर d में एक जाएगा और फिर आपके पास f में जाएंगे. क्लियर हो गई? यस सर. सर और एग्जाम में अगर हमें ऑप्शन नॉट एनी पी सबशेल इन डी ब्लॉक, ये क्या पूछ रहा भाई? सर व्हाई देयर इज नॉट एनी पी सबशेल इन डी ब्लॉक, ये क्या मतलब हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दिस जसमीत? बेटे क्वेश्चन नहीं समझ में आया जसमीत मेरे को तुम्हारा. बोलो बेटे क्या पूछना चाह रहे हो? जसमीत बेटे क्या पूछना चाह रहे हो बताओ, मुंह से बोलो यार. सर इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिल्ड इन पी, हाउ विल इट गो टू डी? अरे पुत्र कॉन्फ़िगरेशन तो लिख यार, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लिख. पहले पी भरते हैं, सबसे पहले एस भरते हैं, फिर पी भरते हैं. कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा डी में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना होगा, वो एनर्जी के हिसाब से होता है. इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द व्हाट यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. गॉट इट? जैसे अगर क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन भरते हो, क्रोमियम का Z24 आपको बताया था मैंने, कॉन्फ़िगरेशन भरते उससे पहले पी नहीं भर जाता, आर्गन तक पी नहीं आते, आते हैं ना, फिर उसके बाद वो एनर्जी का ऑर्डर होता है ब्रदर. सो देयर इज नथिंग टू डू विद दैट ऑफ पी और डी. क्लियर? ओके. एक्सक्यूज मी सर, कुछ और चीजें समझते हैं. एक्सक्यूज मी सर, एक हमारे पास ये है कॉपर सिल्वर गोल्ड. कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इसको हम क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं. क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज क्वाइनेज मेटल्स. क्यों? क्योंकि क्वाइनेज में चलता क्या था भाई? या तो सिल्वर के क्वाइन चलते थे, या फिर गोल्ड के क्वाइन चलते थे, या फिर कॉपर के क्वाइन चलते थे, इसलिए इसको क्वाइनेज मेटल बोलते हैं. ये जो एट्थ यानी आयरन, एट्थ ग्रुप पूरा का पूरा याद देखो. इसीलिए मैंने आज ना तुम्हें पहले मेंडलीव का बताया था कि उसमें तीन तीन बनाए थे आयरन कोबाल्ट और निकल वाला, तो ये एट्थ ग्रुप, तभी तो 8B लिखा मैंने इसको. बी मेंडलीव वाले ग्रुप थे भाई, तभी एनसीईआरटी गलत लिख रही है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं. ठीक, ये एट्थ बी जो होता है ये हाइड्राइड गैप कहलाता है. हाइड्राइड गैप बिकॉज ये सारे हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, द डू नॉट रिएक्ट. एट ग्रुप, एट बी यानी 8, 9, 10, ये दो ग्रुप है 8, 9, 10, 8B ये हाइड्राइड गैप है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, इसको हाइड्राइड गैप बोला जाता है. ठीक है बेटा,
अगली बात, हालांकि कई बुक्स में आप ये पाओगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन n माइनस वन डी जीरो टू टेन डी होती है और n एस टू डी होगी, गलत है ये बात। कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, क्यों? क्योंकि यहां जो प्लेबियम है ना वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी मैंने और आपको बोला था लिखना, आप में से कईयों ने भेजा भी था मेरे को। तो प्लेडियम में डी एक्चुअली क्या होता है बेटे, हमारे पास डी जीरो हो जाता है यहां, इट इज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, और इसलिए इसकी थोड़ी सी मिसफिटिंग होती है, अदरवाइज इट इज गुड, ठीक। तो इसलिए उसको उसको सोच के कई ऑथर प्लेडियम के एक्सेप्शन को लेके इसको जीरो लिख देते हैं, पर डी जीरो नहीं होगा यहां, दिस इज एन एक्सेप्शन मान के चलेंगे पर जीरो नहीं लिखेंगे। कम से कम डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी डी ब्लॉक में माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, और प्लेडियम इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ दैट। अब ये था बेटा पीरियोडिक टेबल आज का, ठीक। अब बेटे आपको इसमें बुक्स में क्या क्या दिया होगा, देखो बेटे मैंने आपको सारा बांट के दिखा दिया, कॉलम्स बता दिए, उसमें एलिमेंट बता दिए, सारा कुछ क्लियर कर दिया है आपको। पीरियोडिक टेबल में बेटे इसमें ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज दी होगी एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, अभी नहीं पढ़नी है बेटा, अभी प्रॉपर्टी पता ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे। तो जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो वाला टॉपिक अभी नहीं पढ़ना, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एफ वो अभी नहीं पढ़ना है, क्लियर। बाकी आपको मैंने सारा करवा दिया। अब इस पर्टिकुलर जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था इसके एडवांटेजेस, वो जो सबसे पहली बात बेटा मिटा दूं इसको अब मैं, यस सर। देखो जी अब हम बात करेंगे इसके क्या फायदे हुए और इसके क्या नुकसान अभी भी हैं। आपने बना तो लिया होगा अपने पास फायदे। देखो भाई ये एटॉमिक नंबर पे बना हुआ था, दिस वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर पे बना तो आइसोटोप की पोजीशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मेंडलीव जो था उसका पहला ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, क्यों? वो एटॉमिक मास पे था और आइसोटोप के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो आपको एनोनिमस पेयर्स नहीं थे इसमें, कोई एनोनिमस पेयर नहीं, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है बाद में लिखा जा रहा है, ठीक। मोर ओवर वेरी इजी बात यह है कि इसमें ना तो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम है, ठीक, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज सेटल्ड, ठीक, और पोजीशन ऑफ आइसोटोप सेटल हो गए, पोजीशन हमारे पास इसी तरह से जो बाकी ड्रॉबैक थे सारे के सारे कंप्लीट हो गए सिवाय चंद ड्रॉबैक्स के। फायदे तो इसके ये हो सकते, नंबर वन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, पहला एडवांटेज। एडवांटेज क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी भाई, ठीक, देन दैट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है जी, क्लियर। आगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम ही होता है, ठीक है जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद नो एनोमलस पेयर्स, कोई एनोमलस पेयर्स थे ही नहीं,
क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा है. इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस. आसानी से बनाया भी जा सकता है, आसानी से याद भी किया जा सकता है. ठीक. ग्रुपिंग में मेक स्टडी इजी. जो ग्रुपिंग थी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ग्रुपिंग इन एस पी डी एफ ब्लॉक मेड स्टडीज इजी, मेड स्टडीज इजी. अब हम एक ब्लॉक की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होगी, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी, तो भैया एस ब्लॉक का अगर पता चल गया तो सबकी प्रॉपर्टी पता चल गई. ठीक है जी, क्लियर. तो ऐसे करके हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स इसकी दूर हो गई, लेकिन स्टिल देर आर सम ड्रॉबैक्स जो आप ही कभी साइंटिस्ट बनेंगे तो दूर करेंगे. ड्रॉबैक क्या है? नंबर वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, रखा मेटल्स के ऊपर है, अल्कली मेटल के ऊपर, गलत बात. हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है और रखा पी ब्लॉक में है, नोबल गैसेस के ऊपर. क्यों? क्योंकि एफ जहां पे शेल कंप्लीट हो जाती है वो नोबल गैस हो, क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. तो इट वाज अ नोबल गैस, तो रखना नोबल गैस के ऊपर था, पर इसमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया और रखा पी ब्लॉक में. तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम इज स्टिल अ प्रॉब्लम. दूसरी बात, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स इज नॉट टेकन इन मेल बॉडी, इज नॉट टेकन इन मेल बॉडी. जो लेंथेनाइड्स और ऑक्टेनाइड्स है, एक्टिनाइड्स है, वो मेन बॉडी में नहीं रखे गए ब्लॉक एनिमल. हालांकि उसका रीजन था, इट इज जस्ट टू स्टॉप अनड्यू एक्सपेंशन, इट इज जस्ट टू चेक अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. अगर तो बीच में रखते, अरे भैया 32 एलिमेंट रखने पड़ते अपने अपने को, 32 एलिमेंट रखने पड़ते, बहुत मुश्किल हो जाता. ठीक है जी. तो पर हम फिर भी क्वेश्चन तो कर सकते हैं, मेन बॉडी में क्यों नहीं रखा. ठीक, ये दो बड़े बड़े ड्रॉप है. अब आपने याद रखना है कि ये ड्रॉबैक्स थे, बट कुछ चीजें जो इसके बारे में आपने ध्यान में रखनी है. फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड. ठीक, जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड होते हैं दे कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच. इनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, इनको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड्स. क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक. फिर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच. इनको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड्स. जो सिक्स्थ है उसमें 32 एलिमेंट है, सिक्स्थ और सेवेंथ. अब तो सेवेंथ पूरा है, तो सिक्स और सेवेंथ कंटेन 32 एलिमेंट्स ईच. सो दे आर कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट पीरियड.
इसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, पहले सिर्फ सिक्स को बोलते थे। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड, इसमें 118 एलिमेंट अकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि आज 118 एलिमेंट अकोमोडेट हो सकते हैं, जबकि आज के केस में हीलियम का 1s2 होता है, आज की डेट में अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे पास 126 एलिमेंट नोन है। तो 126 एलिमेंट का मतलब क्या है? 126 एलिमेंट का मतलब क्या है? आज एक नया पीरियोडिक टेबल चाहिए, और वो नया पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हो चुका है, सीबोर्ग्स पीरियोडिक टेबल। वो जब कभी तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो पढ़ाते रहना सीबोर्ग्स पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है जी, क्लियर। तो ये थोड़े से सेलेंट फीचर्स के बारे में मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है जी। तो आज आपको मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में पता चला, ठीक, और वो कैसे कैसे बनाया, ग्रुप्स क्या, कॉलम्स क्या, फायदे क्या, नफे क्या, नुकसान क्या, ठीक। अब रह गया कुछ एक और चीजें, जैसे पीरियोडिसिटी क्या होती है और हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस, हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस। तो ये कहानी अब करेंगे शुरू अगले दिन से, आज के लिए इतना ही बहुत है। पहले इसको समझ लो अच्छे से, कोई भी डाउट्स हो यू मे आस्क, ठीक, कोई भी चीज हो आप पूछें जी सर के। जितना आज पढ़ाया वो तो समझ में आया कि नहीं आया? सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी में ग्रुप्स का नेम गलत दिया हुआ है, तो सर जब हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस मार्क करने होते हैं तो हम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही करते हैं, चाहे वो गलत भी हो एग्जाम में? हाँ जी बेटा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओके सर। सर आपने जो बताया एक और नई पीरियोडिक टेबल 126 एलिमेंट्स, उसका नाम रिपीट कर दोगे प्लीज? सीबोर्ग्स पीरियोडिक टेबल बेटा, सीबोर्ग्स पीरियोडिक टेबल। एक और क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, वो भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा आपको। बोलते कौन सा ग्रुप ऐसा है, कौन सा ग्रुप ऐसा है विच कंटेन्स, ग्रुप कंटेन्स कंटेन्स मेटल नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कौन सा ग्रुप है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है? याद रखना ग्रुप वन, क्योंकि ग्रुप वन की अगर बात करोगे उसमें नॉन मेटल हाइड्रोजन, बाकी सारे मेटल्स, सॉलिड लिथियम सोडियम पोटेशियम सारे सॉलिड है, ठीक है, गैस हाइड्रोजन है, सीजियम एंड फ्रांसियम मे बी लिक्विड एट व्हेन दे पुट ऑन द हैंड्स, अगर टेबल पे रखोगे तो सीजियम फ्रांसियम सॉलिड होते हैं, लेकिन हाथ में रखोगे तो लिक्विड हो जाते हैं सिल्क चॉकलेट की तरह, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट 33 के करीब करीब है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट इसका 33 डिग्री और हमारा टेम्परेचर 37, जब हाथ में रखोगे 37 पे आएगा तो मेल्ट कर जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसमें ये सब चीजें होती है। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अपन कल, ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन। सर कल सर सर टाइमिंग एक सेकेंड, करणवीर व्हाट यू वांट टू आस्क सर, आई वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू इन द लास्ट, प्लीज डू नॉट एंड द मीटिंग, आई वांट टू आस्क समथिंग सर। यस करण बोलो क्या पूछना चाह रहे हो? सर एक्चुअली एज आई एम अ न्यू स्टूडेंट सो आई वांट टू आस्क कि सर जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर करवाया सर वो आपने बोलो, बोलो।
वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर सर आपने कहा था कि यूट्यूब से देख लेना, हाँ सर जी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है तो उसमें स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिल रही, तो सॉल्यूशन बता मेरे दो कैसे। बच्चे, वीडियोस नहीं देखने का, प्लेलिस्ट है उसमें बनाई हुई मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यू, एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यू के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें चैप्टर नंबर वाइज लगे होंगे, लेक्चर नंबर वाइज लगे होंगे, लेक्चर वन लेक्चर टू, और फर्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट की अभी कंप्लीट करनी है वो मैं आज शाम तक कंप्लीट कर दूंगा आपकी प्लेलिस्ट, तो आप उसको देख सकते हैं। आप सीधे लेक्चर में मत जाओ, आप प्लेलिस्ट खोजो बेटे, तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, वो भी लाइन में लगे हुए। क्लियर बेटे? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, सर कल, आगे सर कल की सर ऑफलाइन की टाइमिंग सर 3 o'clock वाली सर सेम है? बेटा। ऑफलाइन की टाइमिंग अभी तो वही है 10:30 ऑनवर्ड्स, और ऑनलाइन 3 to 4:30। मैंने बोला था इसको बहुत जल्दी 3 to 4:30 को ऑफलाइन कर दूंगा, एक आधा 2 दिन दे दो, इट विल बी ऑफलाइन, क्योंकि एक्चुअली मैं वहां पे हाइब्रिड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे हाइब्रिड हो जाएगा तो ऑफलाइन ऑनलाइन इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 दिन लगेंगे ठीक सारी सेटलमेंट करने के लिए, तो जब तक वो हाइब्रिड नहीं हो जाता तब तक उसको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन वो हाइब्रिड हो गया 4 to 3 ये 3 to 4:30 दैट विल बी ऑफलाइन। क्लियर? यस सर। और सर सर चैप्टर थर्ड की सर आप प्लेलिस्ट बना दोगे? हाँ जी, सर चैप्टर थर्ड की सर प्लेलिस्ट बना दोगे आप? ऑब्वियसली जैसे से अभी तो लेक्चर हुए ही शुरू हुआ है बेटा, तो जैसे से आते रहेंगे मैं आपको बना के देता रहूंगा बेटा लिस्ट। यस सर। सर हमें भी फिर ग्रुप के नेम्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही याद करने हैं। हाँ जी बेटे, हाँ जी बिल्कुल जी, ओके सर, सर ये तो चीटिंग है, हमको मिलकर लेटर लिखना चाहिए सीबीएसई को, गलत चीज को चेंज करो। यार और क्या बोलूं मैं, क्या बोले। चलिए एनी हाउ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।